हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो में आप यहाँ पर जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का जो फोरम यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था, उसका फोरम का आप मॉडिफिकेशन का फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हो, पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो साथ ही मैं यहाँ पर वापस में आपको बता दूँ, आपके पास में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है तो भी आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे स्टेटस, वो भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। पूरी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का अगर फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर एजुकेशन से रिगार्डिंग हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिलती रहती है और मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार मैं यहाँ पर दो पेज यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ, यहाँ देख सकते हो ग्रुप डी का। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर लिंक ओनली फॉर चेक स्टेटस, स्टेटस चेक करने का। साथ में यहाँ पर आरबी ग्रुप डी का जो लिंक मॉडिफिकेशन का यहाँ पर जो पेज है वो यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ। तो दोस्तों, दोनों को यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं पहले स्टेटस का। तो स्टेटस का आपको सबसे पहले मैंने जैसे कि वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूँ कि आखिरकार क्या क्या यहाँ पर करना होता है या क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, जन्मतिथि डालना होगा और यहाँ पर कैप्चर कोड नंबर डाल के, यहाँ पर कैप्चर कोड नंबर डाल के सबमिट कर देना होगा। जैसे कि मैं अभी डाटा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से स्टेटस के आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी डिटेल मैंने फिल कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हो, आपका यहाँ पर जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो योर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाद में आप बात करता हूँ कि आपको यहाँ पर वापस से लॉग आउट करता हूँ और इसके बाद में अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो किस तरीके से निकालेंगे वो यहाँ पर जानकारी वापस से मैं बता देता हूँ। एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको किस तरीके से निकालना होगा। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का आपको नाम ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जिस भी रेलवे से आपने फिल किया है फॉर्म, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आपका नाम, जन्मतिथि और इसके साथ में मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म में डाले थे, साथ में उसके साथ में कैप्चर कोड नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना होगा। जैसे कि मैं सभी डिटेल फिल करके वापस में आपको बताता हूँ कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। यहाँ पर सभी जो भी टोटल यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर लिए। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जो नंबर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना होगा और अपना यहाँ पर स्टेटस चेक करने में अभी यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी आराम से आप अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। होम पर आपको क्लिक करना होगा, होम पे जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो, आराम से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिजेक्ट फॉर्म हो चुका है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक रिजेक्ट फॉर्म मैं आपको यहाँ पर ओपन करके मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सभी डिटेल मैंने यहाँ पर फिल कर लिए। यहाँ पर देख सकते हो लिंक मॉडिफिकेशन फॉर्म पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन है लिंक मॉडिफिकेशन फॉर्म वाला कॉलम को यहाँ पर फिल किया है। तो दोस्तों, आपको पहले स्टेटस चेक कर लेना होगा, अगर आपका रिजेक्ट है तो उसके बाद में यहाँ पर मॉडिफिकेशन फॉर्म पर आपको आना होगा और यहाँ पर डिटेल फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जब भी स्टेटस चेक करेंगे, जब भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इनवैलिड फोटो यहां पर बताया जा रहा है, इनवैलिड फोटो की वजह से यहां पर रिजेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि आपको अपलोड करने के लिए आपको अपलोड किस किस रीजन से यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, तो फोटो, साइन और आपको ये दोनों की वजह से यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोनों को अगर आप अपलोड करना चाहते हो, वापस से मोटिवेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए 100 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा और उसके थ्रू अगर 100 रुपये आप पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पर अपलोड फोटो और साइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने फॉर्म को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार फॉर्म किस तरीके से अपलोड अपडेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन फीस यहां पर देखने को मिल जाएगी, मोटिवेशन फीस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हो,
आपको कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट करते हो उसके बाद में आपको वो यहाँ पर फ़ोटो या फिर जो भी आपका रिजेक्ट का रीजन है, यानी फ़ोटो और साइन में से जो भी अगर फ़ोटो आपका रिजेक्ट फ़ोटो अगर रीजन है आपका फॉर्म रिजेक्ट में, तो दोस्तों आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। साथ में अगर साइन में आपके प्रॉब्लम है तो साइन को भी अपलोड करना होगा, यानी साइन को अगर रिजेक्ट में साइन का ऑप्शन है, रिजेक्ट अगर साइन की वजह से हुआ तो साइन को यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर चेकबॉक्स में राइट करना होगा, उसके बाद में आपको चेक प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हो पेमेंट आपको 100 रुपये यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद में क्लिक टू पे प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, देखते हैं क्या आता है इसके बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखने को तो मिल चुका है कि आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद में ही फ़ोटो यहाँ पर डालना होगा। फ़ोटो यदि बाद में ही डाल पाओगे तो देखते हैं आखिरकार कौन सा पेज आता है, कौन सा पेमेंट मेथड। आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट करने के कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गए हैं, तो आपको इसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो इसके थ्रू, कार्ड पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो कार्ड के थ्रू यहाँ पर कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सभी मिल जाएंगे, साथ में यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सभी इन किसी भी एक यहाँ पर यूपीआई के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड, यहाँ देख सकते हो डेबिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड का है, यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का है। तो दोस्तों कुछ भी जो भी आपके पास में कार्ड है, जिसका भी अवेलेबल है कार्ड, तो दोस्तों उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे और उसके बाद में जो फ़ोटो है वो अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरे पास में अपडेट करने के लिए फॉर्म नहीं है दोस्तों, मैं आपको किसी के ये फॉर्म किसी दूसरे का है, इस वजह से मैं यहाँ पर केवल आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल जहाँ तक जो न्यूज़ दी है वो यहाँ पर आपके लिए जहाँ तक है फ़िलहाल सब कुछ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा क्या करना होगा, तो पेमेंट करके आपको फ़ोटो अपलोड ही करना है, तो और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ऑप्शन मिल जाएगा फ़ोटो अपलोड करने का, तो फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों जहाँ तक है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो दोस्तों जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।